फतेहाबाद के गांव रिहावली में हुई 1,500,000 रुपए की लूटमार चोरी का मामला सामने आया है। आखिर क्यों फोन करने पर भी 112 नंबर की पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। चोरी के इस मामले ने फतेहाबाद पुलिस पर भी कई सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। 112 पर कॉल किया था, आई नहीं, वो उल्टे कह रहा है 11 बजे आ जाओ सुबह। उत्तर प्रदेश के जिला आगरा थाना क्षेत्र फतेहाबाद के गांव रिहावली में 1 सितंबर शाम के करीब 8 बजे चोरों ने राजेश पुत्र उमा शंकर के घर में घुसकर 1,500,000 रुपए की चोरी को अंजाम दिया था, जिसमें चोरों के एक साथी को घर परिवार के लोगों ने मौके पर ही धर दबोचा। चोरों का एक साथी जिसके पास चोरी के पैसे थे वो भागने में कामयाब हो गया। आपने चोर को देखा है आंखों से? हाँ, देखा है। अपनी आंखों से? हाँ, आपने उसे पकड़ने की कोशिश की थी आपने? हाँ। उस चोर का, उसको जानती हैं आप? जानते हैं। क्या नाम है उसका? मनजीत जी। कौन से गांव का रहने वाला है? रावली का। गांव रावली का है। हाँ। तो आपने हमारी चोरी हो गई, कल 90,000 रुपए लेकर आया था, वो निकाल लेगा चोर गाँव की, क्या करें बताओ। मैं तो 5 महीने कमा के आया था, वही रुपए कम है, तो पुलिस वाले ने फ़ोन किया तो वो आए नहीं घर पे, वो कह रहे 11 बजे आ जाओ आप। बताओ हम कहाँ जाएं, मेरे घर में तो राशन भी नहीं है। हमारे घर पे मम्मी थी और पापा जी थे और बहन जी थी हमारी, बहन जी को धक्का मार के और निकल गया वो। आपने इस चोर को देखा था? हाँ देखा था। क्या नाम है चोर का? मनजीत। वो किस गाँव का रहने वाला है? रावली का। अच्छा, रावली का। आपने पुलिस के लिए फोन नहीं किया? किया, किया 12 नंबर पे कॉल किया था। अच्छा, पुलिस आई? ना आई। 1,500,000 रुपए चोरी हुए हैं। 1,500,000 रुपए आपके चोरी हुए? हाँ जी। अच्छा अच्छा, अब तुम क्या चाह रहे हो? अब क्या चाहते हैं, मतलब गांव का प्रधान है तो वो भी दलाल है, नहीं हमारी कोई सुनेगा तो फिर अब गांव छोड़ के चले जाएंगे और क्या करेंगे। अच्छा, गांव छोड़ के भाग जाएंगे और क्या है, हमारा कोई है ही नहीं है, यहाँ दलाल है प्रधान जाके। आपकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है भाई, भाई की शंकरी। पीड़ित पक्ष राजेश पुत्र उमा शंकर का कहना है कि चोरी करने वाले चोर मंजीत पुत्र शंकरी और कल्लू पुत्र भजन सिंह गांव रिहावली के ही रहने वाले हैं। अब न्याय के लिए पीड़ित पक्ष दर दर की ठोकर खा रहा है और आला अधिकारियों के दरवाजे खटखटा रहा है। फतेहाबाद से राधा राजपूत के साथ हरिओम शास्त्री की ये रिपोर्ट। 1 सितंबर दिन शुक्रवार था, शाम के 8 बज रही थी। राजेश के घर परिवार वाले कुछ अपना भोजन बना रहे थे, कुछ चारपाइयों पर लेटी थी। अचानक राजेश के घर में चोर आ जाते हैं और चोरी की घटना को अंजाम दे देती है। राजेश दिल्ली में हलवाई की दुकान पर मिठाई का काम करता था। राजेश वहाँ से 90,000 रुपये लेकर के अपने गांव रिहावली आया था। अचानक ही चोरों को कोई जानकारी मिली या उन्होंने कोई षड्यंत्र रचा, चोर भी गांव रिहावली के बताए जा रहे हैं। उस वक्त राजेश ने 112 नंबर पर कॉल की लेकिन मौके पर पुलिस नहीं आई। उधर योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए जगह नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि उत्तर प्रदेश में चोरी हो रही है, घटनाएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन अपराधी अन्ना भैंसा की तरह बेखौफ है। आखिर क्या पुलिस के संरक्षण में ये चोरी हुई है? अब हम देखते हैं कि क्या थाना फतेहाबाद पुलिस राजेश को न्याय मिलता है या नहीं। कैमरामैन अपने राधा राजपूत के साथ हरिओम शास्त्री, एसटीवी न्यूज आगरा।